Hey guys, welcome back to my channel Elite Looks. मेरा नाम है नौशीन। सो अगर आपके पास भी स्टोरेज की कमी है और आपने भी अमेजोन से मंगवाया है, ये इतना बड़ा जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से इसमें से निकलेगा, ये तीन ये एक्सपेक्टेशन, बट नहीं, इसमें से क्या निकला है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी सोचा था ये निकलेगा, इसमें से निकला है ये डब्बा और उसके साथ ये पाइप और बहुत ही खाती निकल जाऊ। ये कुछ इस तरह से, तो ठीक है, ये सब चीजें मेरे पास आके पड़ गई एंड ये हो गया डब्बा खाली। इसको अगेन मैं स्टोरेज बॉक्स बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा, इसमें अच्छा सा नहीं मतलब कुछ सामान जिसको यूजफुल नहीं होगा उसमें भर के बंद करके टेप लगा के रख दूंगी। तो ये है टिप्स फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली कि अगर आपके पास स्टोरेज की कमी हो तो आप स्टोरेज बॉक्स मंगाओ, तो स्टोरेज बॉक्स का डब्बा भी एज अ स्टोरेज यूज करो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको कैसे जोड़ तोड़ के एक करूं एंड इसमें ये क्या है यार। तो पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। अच्छा, मैनुअल आया है। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। एक टब तो मुझे लगा था कि ये पता नहीं कैसा है, छोटा आएगा, बट ये है तो। लेकिन ये क्या है, मतलब बाहर से बिल्कुल मैट है, आप देखो बाहर से बिल्कुल मैट है और अंदर से पूरा ग्लॉसी है। ये तो पूरा ही मैट दे देते, ये तो पूरा ही ग्लॉसी दे देते। 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक एक्स्ट्रा इसलिए कि हम ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से अलग हो रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत देखने के बाद समझ में आ गई, ये इस तरह से ट्रे है। ठीक है, ये उल्टा साइड है तो आपको ये सीधा साइड, चिकने साइड लेना है। यहाँ पे जो होल दिया है उसमें ये जो ये मेहमान दिए हैं इसको इस तरह से यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से चारों तरफ हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये चारों तरफ हमारा फिक्स हो गया, ये एक हो गया है एंड इसके अंदर हम डाल देंगे इतना ये। ये देखो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से स्लाइड होगा। अच्छा, ये था स्लाइडिंग वाला, इसमें ही इसको इस तरह से फिट करना। ठीक है, ये फिट पहले मैं इस तरह से ऐसे ही ये वॉल्यूम को भी इस तरह से बना लेती हूँ। मिलेगी ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज रखना। ठीक है, अब हमारा आता है सिंबल टाई। ठीक है, अब हम इन दोनों को, ये अलग अलग करके हमने जोड़े थे सारे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ऐसे। ये देखो, ये यहाँ पे होल दिया हुआ है एंड ये इसका, इसको इस तरह से यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइट है, इतना अच्छी बात है टाइट है, तभी ये निकलेगा नहीं, वरना टाइट नहीं होगा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके इस तरह से ये डालेंगे। ओके, तो फाइनली गाइस ये असेंबल हो गया है। मेरे एक घंटे के शिद्दत से ये जुड़ गया। बात ना, ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, बट हाँ, रोज डेली लाइफ के लिए आप यूज करने के लिए सकते हो। बस ये जो है बहुत स्मूथ नहीं है कि बहुत स्मूथ से निकल जा रहा है, आप देख रहे हो, ये बस इतनी प्रॉब्लम है इसमें। उसमें वो व्हील नहीं है ना, वो व्हील होती है जैसे लकड़ी वाले जो चेस्ट और ड्रॉज होते हैं उसमें व्हील होती है, तो आप ऐसे करते हो बहुत स्मूथली। इसको देखो, ये देखो, बट आई गेस 2-3 दिन यूज करते करते आप इस तरह से यूज टू हो जाओगे, तो आप
कर सकते हो। बाकी साइज बता दो तो ये एक देख लो मेरा 1.42 है, मेरा हाथ इतना भी बड़ा नहीं है, मतलब इतना 1.42 का एक है, ये चौड़ाई एक, ये 2 अंगूर। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा लेना कि ये कितना चौड़ा है कितना बड़ा है। ठीक है, तो या गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मेन हीरो था हमारा, ये क्या हो गया था, जिसमें मेन हीरो था हमारा ये प्लास्टिक का चेस्टर ड्रॉज, जो मुझे काफी क्यूट लग रहा है, कलरफुल है ना तो काफी क्यूट लग रहा है। सो अगर आप भी इस तरह से मंगवाए हो और असेंबल करने में थोड़ी दिक्कत आई थी या आएगी, तो आपको अब आपको ये वीडियो देखने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ध्यान देने में। सो अगेन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, प्लीज कमेंट करके बताना कि ये चेस्टर ड्रॉज आपके पास है या नहीं, या इन फ्यूचर आप खरीदना चाहते हो या नहीं। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।